स्टार्ट हो गया। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे स्पाइसी रेसिपी चैनल पे। आज हम आप लोग को चने से पकौड़ी कैसे बनते हैं बना करके दिखा रही हूँ। हमने दो कटोरी ली हैं, इसमें एक में छोटा वाला चना भिगोए थे, उसको पीस करके मैं पकौड़ी के लिए तैयार कर ली हूँ। और दूसरे कटोरी में हम बेसन ले करके इसका घोल बनाने के लिए इसमें हल्का हल्का पानी डाल करके मिक्स कर रही हूँ। इसमें सारे मसाले डाल ली हूँ और मिर्चा थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ क्योंकि हम तीखा खाते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग भी तीखा पसंद करते होंगे। इसमें पानी, नमक स्वाद अनुसार डाल लिए हैं दोनों में, और इसमें हल्का हल्का पानी डाल करके हम इस घोल को तैयार कर रहे हैं। इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहने देना है क्योंकि हमारा पकौड़ी इसमें अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए हम कढ़ाई को गर्म करने के लिए चूल्हे को ऑन कर दिए हैं ताकि हमारे कढ़ाई गर्म हो जाए। इसको मीडियम पे हम रखे हैं थोड़ा सा ना, ये जो रखे हैं अभी इसको मसाला जो चने का हमने तैयार किया है पकौड़ी के लिए, इसमें सारे मसाले डाल करके और मिर्चा भी डाले हैं, नमक स्वाद अनुसार डाल लिए हैं। अब इसको हम बॉल बनाते हैं, पकौड़ी के लिए तैयार करेंगे। इसमें देखिए हम मीडियम साइज का बॉल बनाते जा रहे हैं। दिखाइए बॉल का, इधर मीडियम साइज का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं कि हम लोगों को देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगेगा। देखिए एक किस तरह बनाते हैं। इसको हल्का पानी से हाथ को भिंगो लिए हैं ताकि ये हमारे हाथ में चिपचिपा ना हो, सटे नहीं। अब एक एक करके हम इस घोल में लपेट करके कढ़ाई में डालते जाएंगे। एक एक करके कढ़ाई में अच्छा तरह से डालते जाएंगे ताकि हमारा पकौड़ी बनकर तैयार हो जाए। अब बचे हुए चने का हम भी इसको भी गोल बना लेंगे, बॉल बनाते जाएंगे गोल गोल। देखिए किस तरह हम बनाते जा रहे हैं। अब जो बॉल हमारे बन गए हैं उसको एक एक करके हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। देखिए किस तरह ये हमारे बॉल जो हैं सारे एक एक करके कढ़ाई में आ जाएंगे। इसको अच्छा तरह से हम डालते जा रहे हैं एक एक करके। अब देखिए बचे हुए जो है मेरा ये चने का जो हम पकौड़ी के लिए तैयार किए हैं, इसको बुक करके इसको आप लोग चाहें तो मिक्सर में थोड़ा सा पीस लें या सिलवट पर भी हम पीस सकते हैं। हमने इसको सिलवट पर ही पीसा है। देखिए एक एक करके अब इसको कढ़ाई में हम डाल देते हैं। सारे हमारे बॉल कढ़ाई में आसानी से आ गए। देखिए अब इसको हम ब्राउन होने तक इसमें छोड़ देंगे कढ़ाई में और इंतज़ार करेंगे। देखिए हमारे जो है इसको पहले वाला सतह जो है वो पक चुका है, ब्राउन हो चुका है, बहुत अच्छा कलर आया है। अब हम नीचे वाले सतह को पकने दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा तरह से इसको हम चलाते रहेंगे, बहुत ही अच्छे तरह से कलर आ गया है। अब नीचे वाला भाग हम इसको पकने देंगे। हमारा पकौड़ी चने का बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग भी एक बार इसको घर पे बनाएं। इसमें सारे के घर में, हम सभी के घर में चना उपस्थित रहता है। हम इसमें मीडियम वाला चना लिए हैं। आप लोग भी इसको ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको चटनी के साथ, धनिया की चटनी हो या सॉस के साथ हम लोग खाएंगे, बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगेगा। हम लोग किसी के आने पर नाश्ता में भी दे सकते हैं बना करके झटपट। देखिए एक एक करके हम सारे पकौड़ी को एक प्लेट में निकाल लिए। हमारा पकौड़ी का कलर बहुत ही सुंदर आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।